बदमाश, फोन लाओ। अरे मैडम, हमारे जिगर के छिल्ले को यानी इकबाल को बचा लो मैडम, बता रहे आपको। तुम फोन दो। हाँ, ये लीजिए मैडम। हम अपना फोन दो। उत्तरी आइला, यानी इसका मतलब मैडम का वॉल्यूम बैलेंस नहीं है। ले लीजिए, लीजिए, लीजिए। लगाइए मैडम, लगाइए, लगाइए, इकबाल को बचाइए। हेलो मैडम। सर हम बोल रहे हैं। करिश्मा सिंह, थैंक गॉड आपने फोन किया। अच्छा सुनिए, सबसे पहले हमारी बात सुनिए। बिल्लू गायब हो गया है, बिल्लू को किडनैप कर लिया गया है। का? कब? कहाँ? कैसे? अरे मैडम बताया तो था मैं आपको। जी मैडम सर, वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। हम कब से चीता को फोन ट्राई कर रहे हैं, लग नहीं रहा। आप उससे कहिए कि बिल्लू की लास्ट नोन लोकेशन थी चार बाग स्टेशन के पीछे वाली गली, वहां से वो गायब हुआ है, उसे ढूंढे तुरंत। हाँ मैडम सर, हम चीते से वो बात कह देंगे, लेकिन आप हमारा बात सुनिए। लांबा का फोन आया था, पेन ड्राइव का डील करना चाहता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा है हम पर कि हम आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो अभी तक हम पे पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैडम सर वो हमें लगता है कि वो कुछ ऐसा करवाना चाहता है जिससे हमारे ऊपर कोई बड़ा मुसीबत आ सकता है। हमारे जरिए ना वो आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है मैडम सर, ऐसा हमको लग रहा है। तो कीजिए करिश्मा सिंह, ये लोग जो भी करने के लिए आपसे कहें प्लीज कीजिए, क्योंकि फिलहाल ना आप इम्पोर्टेंट है ना हम इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो लड़कियां जिनकी जिंदगी, जिनकी इज्जत दांव पर लगी है, जो इस केस के सॉल्व होने पर डिपेंड करती है। हम उन्हें नाउम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। हम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है करिश्मा सिंह, क्योंकि ये केस सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। काम मैडम सर, हम समझे नहीं, मतलब आज का ही दिन? हम सुप्रिया से मिले थे, सुप्रिया ने हमें बताया कि हमारे रेड की वजह से वो लोग और भी ज्यादा चौकन्ने हो गए, और अब ये पूरा का पूरा सेटअप उठाकर वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं बॉम्बे। कल सुबह की सारी लड़कियों की टिकट्स है बॉम्बे जाने की, इसलिए सिर्फ आज का दिन है और हमें ये केस सॉल्व करना है। सुप्रिया ने हमसे कहा कि अगर कल सुबह तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर पाए तो वो फ्लाइट में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जिंदा भी नहीं रहेंगे। हमें जो करना है आज करना है करिश्मा सिंह। अब इस केस को जीतने के लिए, उन लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें कोई गम नहीं है। और हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले हिचकिचाएंगी नहीं। आप हम सब कुछ बाद में आता है, सबसे पहले जरूरी है ये लड़कियां, इनकी जिंदगी। आप हमें वादा कीजिए कि आप सबसे पहले और सबसे आगे अपने फर्ज को रखेंगी और इस केस के लिए कोई भी कुर्बानी देने से पहले हिचकिचाएंगी नहीं। प्लीज करिश्मा सिंह, हमें आपका वादा चाहिए। करिश्मा सिंह, हमें आपका वादा चाहिए। हम वचन देते हैं मैडम सर, ये अश्लील रैकेट है ना, इसका नामो निशान मिटा देंगे हम। फिर इसके लिए चाहे कोई भी कीमत देना पड़े हम चुका देंगे मैडम सर। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मैडम सर, हम संभाल लेंगे। करिश्मा सिंह, जय हिंद। जय हिंद। बदनाम, एक चाय दो। अरे मैडम काम हो गया? अरे फोन दो, फोन फोन फोन। धन्यवाद। हेलो लांबा, पैसे रेडी है? तुम टेस्ट के लिए रेडी हो? कौन सा टेस्ट? वही टेस्ट जो ये सिद्ध करेगा कि तुम हमारी तरफ से हो। हम तुम्हारी तरफ नहीं, हम पैसों की तरफ है, समझे? फिलहाल एक ही बात नहीं है, तुमको पेन ड्राइव चाहिए कि नहीं, तुमको पैसे चाहिए कि नहीं, क्या करना होगा? एक छोटा सा टेस्ट और डील डन। ये मेरा आदमी था, पैकेट तुम्हारे लिए। क्या है इस पैकेट में? बस कुछ दवाइयां हैं, हसीना मल्लिक को खिलानी। मका बकैती कर रहे हो, डील पेन ड्राइव के बदले पैसों का हुआ था ना, किसी का जान लेने का नहीं हुआ था, समझ रहे हमारी बात को? अरे बेफिक्र रहो, हम भी बेवजह किसी की जान नहीं लेते, वो भी पुलिस वाले की। इतने पागल नहीं हम। बस 10-12 टैबलेट्स, उसके बाद उसका दिमाग 10 दिन के लिए ठीक से काम करना बंद कर देगा। उतना वक्त काफी है हमारे लिए, हमारा सेटअप इस देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करने के लिए। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो, अभी अभी हसीना मल्लिक हेडक्वार्टर के लिए निकली है। हमारे डीएसपी ने उसे हेडक्वार्टर बुलाया, वहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मंत्री साहब खुद आ रहे हैं, तो तुम्हें वहाँ पहुँचना है और हसीना मल्लिक को यह दवाई खिलानी है, समझी तुम? प्रेस कॉन्फ्रेंस?
लेकिन वहीं कहे जाए, कहीं और कहे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कहे, ताकि पूरे लखनऊ को पता चले आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। और उसके बाद का? उसके बाद अपने आदमी को यहाँ भेज दो और वो पेन ड्राइव हमें दे देगा, हमें उससे पैसे दे देंगे। अपनी बाइक उठाओ और बिना थाने की तरफ देखे हेडक्वार्टर की तरफ निकलो, जल्दी जल्दी। और हाँ, ब्लूटूथ बंद मत करना, हमें सब सुनाई देना चाहिए। हमें गर्व है अपने प्रदेश के पुलिस प्रशासन पे, इस शहर की कानून व्यवस्था पे। जिस तरह से हमारे प्रदेश की पुलिस ने इस शहर में कानून व्यवस्था स्थापित की है, वो सच में सराहनीय है। सर देखिए, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये अडल्ट कंटेंट वाला केस सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है, और आपने हमें यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटका के रखा है। सर प्लीज हमें जाने दीजिए, बहुत जरूरी है। देखो, आपको जो भी काम करना है ना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करना। हाँ, लेकिन सर जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाता, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। दिस इज माई ऑर्डर, समझ गए हम? जी सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पूरे जोश से, अपनी ईमानदारी से अपने पुलिस विभाग का नाम यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। हेलो, जय हिंद मैडम सर। बिल्लू के बारे में कुछ पता चला, कहाँ है वो? संतोष, कुछ पता चला कहाँ? नहीं मैडम सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। हाँ ठीक है, जैसे कुछ पता चले हमें तुरंत अपडेट करना। जी मैडम सर, जी। आज शहर में शांति है, अमन है, भाईचारा है, कानून का भय है। पहुंच गई आप? हसीना मलिक भी वहीं है। पर खबरदार, कोई चालाकी नहीं है, हमारे आदमी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। उनकी नजर तुम पर है और हम तुम्हारी बात यहाँ से सुन रहे हैं। अब तुम्हारे पास चाय पहुंचेगी, मौका देखकर हसीना मलिक की चाय में वो दवाइयां मिला देना। और कोई होशियारी नहीं, तुम्हारे हर मूवमेंट पे हमारे आदमियों की नजरें हैं, सो डोंट प्ले स्मार्ट, ओके? चलो जल्दी जल्दी चाय में दवाइयां डाल दो। चलो। ये लोग जो भी करने के लिए आपसे कहें प्लीज कीजिए, क्योंकि फिलहाल ना आप इम्पोर्टेंट हैं ना हम इम्पोर्टेंट हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो लड़कियां जिनकी जिंदगी, जिनकी इज्जत दांव पर लगी है। आप हमें वादा कीजिए कि आप सबसे पहले और सबसे आगे अपने फर्ज को रखेंगे और इस केस के लिए कोई भी कुर्बानी देने से पहले हिचकिचाएंगे नहीं। सोचो मत, दवाइयां डाल दो। भारवी मैडम, कहाँ एकदम इसे बैग बैग पैक करके कहाँ जा रही है मैडम? बस इतना ही था हम लोगों का साथ, तो चलिए सबको बाय बाय टाटा। ऐसे टाटा बाय बाय कर रही है जैसे आज का आपका आखिरी दिन हो। लाइफ है पुष्पा जी, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए किसे पता। तो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। गोलमाल। गोलमाल फिल्म है ना, अजय देवगन जी का है, ऐसे झुका के जो रहते हैं वो, उनमें गाना है ना कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। आप बोली तो हमको याद है, हमको ऐसे आ रहे थे। हाँ, ऐसे 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 आ रहा था। जी जी, चलिए देन, गुड बाय। जय हिंद, जय हिंद। हम अपने जितने भी काबिल ऑफिसर्स हैं उनका सम्मान करेंगे। काबिल ऑफिसर्स की सूची में सबसे पहला नाम आता है हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, बेस्ट ऑफिसर साहब लखनऊ के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हम चाहते हैं कि आप दो शब्द कुछ कहें। जी सर। आई जय हिंद,
बहुत बहुत शुक्रिया हमें सम्मानित करने के लिए, लेकिन सच बात तो ये है कि ये सम्मान सिर्फ मिस मलिक, आप अब ठीक है ना? हाँ सर, हाँ। भेड़िए? ये यहाँ इतने सारे भेड़िए क्या कर रहे हैं? सर ये क्या हो रहा है? सर बाहर निकालिए इन सबको, ये भेड़िए। चलो बाहर जाओ, निकलो निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। क्या कर, बाहर जाओ सब के सब, बाहर निकलो यहाँ से। ये हमारा शहर है, हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रहेंगे। कोई गंदगी नहीं कर सकता, बाहर जाओ। बाहर क्या कर रही? बाहर निकालिए इन सबको। सर आपके पास भेड़िया खड़ा है, सर भगाइए इसे। बाहर जाओ, बाहर जाओ वरना गोली मार देंगे सबको, इन सबको बाहर। चलो चलो हमें, चलो चलो हमें, चलो चलो। शाबाश करिश्मा सिंह, ये टेस्ट तुमने पास कर ली अव्वल नंबर से। एड्रेस भेज रहा हूँ तुमको, 5 बजे मिलते हैं। नीचे संतोष। तू पूछ पूछ। नीचे। आ गया? ठीक करने करो। हाँ। हाँ संतोष शर्मा। जय हिंद मैडम सर। स्पीकर पे रखूँ ना? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, बारबी जो है थाना छोड़कर चली गई है, और जैसे कि आपने कहा था, करिश्मा मैडम के जूते में मैंने ट्रांसमीटर लगा दिया, अब वो जहाँ भी जाएगी हमें उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। फिलहाल वो कानपुर हाईवे की तरफ जा रही है। कानपुर हाईवे? ठीक है, गुड जॉब संतोष शर्मा। इनफैक्ट आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप सब नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। अगर चीता और बिल्लू ने सही समय पर जाकर बारबी के घर में वो हिडन कैमरा नहीं लगाया होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि वो करिश्मा सिंह को क्या टास्क देने वाली है। आप लोगों की मेहनत की वजह से हमें पता चला कि करिश्मा सिंह चाय में हमें दवाई मिक्स करके देने वाली है। सही समय पर हमने जाकर वो सारी दवाई उगल दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठ गए, और सही सलामत अभी जिंदा है। सब आप लोगों की मेहनत की वजह से। और अब आप लोगों की ही वजह से हमें ये भी पता है कि वो लांबा अभी भी बारबी के घर में बैठ कर करिश्मा सिंह को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। मैडम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शिवजी हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको कभी कुछ नहीं होगा। एक मिनट मैडम सर। क्या हुआ संतोष? मैडम सर, ये लांबा सारा सामान पैक करके निकल रहा है। क्या? अच्छा ठीक है, आप जो है करिश्मा सिंह की लोकेशन ट्रैक करती रहिए और हमें बताती रहिए, ठीक है? जी मैडम सर। ओके। ये पुष्पा जी, चलिए। एक मिनट, अब वक्त आ गया है मैडम सर की कसम पूरी करने का। चल चीते हमारे साथ, आज ये पूरा टंटा ही खत्म कर देते हैं और इस नेक काम में मैडम सर की मदद करते हैं। वक्त आ गया है वर्दी का हक अदा करने का पुष्पा जी। आकाश, 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 I'm back. Barbie, my baby, my sweet, 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 sweet wife. मुझे यकीन था कि तुम कामयाब होकर ही लौटोगी। I'm so, so, so proud of you. आखिरकार तुमने अपने बेचारे पति परमेश्वर को उस हसीना मलिक एंड सो कॉल्ड थाने के लोगों से बचा ही लिया। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो असली बारबी उपाध्याय, उसका क्या हुआ? वो वही है जहाँ उसे किडनैप करके रखा गया था। हमारे देश छोड़ने के बाद हमारे लोग उसे भी छोड़ देंगे। ग्रेट। इसके बाद सिर्फ हमारी एक आखिरी मुसीबत, वो पेन ड्राइव। अब वो हमारे हाथ लग जाए तो कल सुबह मुंबई, एंड देन योर फेवरेट डेस्टिनेशन, एंड देन वी विल फ्लाई आउट ऑफ द कंट्री, और उसके बाद खेल खत्म। सर, मैडम, मुझे नहीं लगता पेन ड्राइव इसके पास भी है। बहुत मारा, टॉर्चर किया इसको। कितनी बार बताऊं, आपने गलत आदमी को उठा के लाया है। सर, 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 पुलिस, पुलिस, थाने वालों ने हमें घेर लिया चारों तरफ से। बस बहुत हो गया ये चूहे बिल्लियों का खेल, बारबी और मोना।
बेहतर यही होगा कि तुम खुद को कानून के हवाले कर दो। ये पूरी की पूरी जगह गन पॉइंट पर है, पुलिस वालों से भरी हुई है। तुम्हारे पास बाहर निकलने का या भागने का कोई तरीका नहीं है। बाहर आ जाओ। भूल जाओ हसीना मलिक, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं और उन सबकी मौत की जिम्मेदार होगी तुम। हट जाओ हमारे रास्ते से। क्या करें? ये हसीना मलिक इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं है। इसके होते हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो कुछ तो करना पड़ेगा। टीम जल्दी रहो, इधर उतर इधर। ओके, एक चीज अच्छे से याद रहे, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सारी लड़कियों को सही सलामत यहाँ से बाहर निकालना। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर। ओके, गो बैक। रावत, ये कपड़े और मास्क बाकी लोगों को पहनाओ और खुद भी पहनो। अभी मास्क ही हमारे यहाँ से निकलने का जरिया है। चलो जल्दी करो। करिश्मा सिंह, गो गो गो। कमल मार खाए तो निकल। पहनो इसे। नो थैंक्स। बोला ना, पहनो चुपचाप। की सासू मैया तो ये खेल खेला जा रहा है। अब सबको एक जैसे मास्क और ड्रेस पहना दिए ताकि गुनेगार और बेकसूर सब एक हो जाए और इस सब का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाए। सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास हसीना मलिक, हमारे लिए सरकारी वैन का इंतजाम करो ताकि हम सुरक्षित यहाँ से निकल सके, वरना तो एक एक करके हर किसी की लाश तुम्हारे सामने आएगी और उनमें से एक लाश होगी बिल्लू की। क्या? इसका मतलब ये लोग बहुत ही शातिर चाल चल रहे हैं। तो फिर अब क्या करना होगा मैडम सर? आप अच्छे से जानती हैं क्या करना होगा। बहुत बढ़िया मैडम सर। बारबी, 15 मिनट बहुत कम समय है। सारी चीज अरेंज करने के लिए हमें वक्त चाहिए, अपने सीनियर से बात करनी होगी, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब तक किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। चलो चलो चलो। चलो जल्दी, हम भी रेडी हो जाते हैं। चलो हनुमान जी का मंदिर था, चबूतरे के पत्थर के बीच में रखा हुआ है मैंने, और वो वहीं पे अभी भी। ओके ठीक है ठीक है, ये अच्छी बात है। ओके अब प्लान सुनो, करना क्या है। कॉन्फिडेंटली बाहर जाओ, लड़कियों से कहो कि यहाँ से निकलने के लिए बस तैयार हो चुकी है, तुम्हें फॉलो करें। क्लियर? ओके ओके। उससे क्या होगा मैडम, हम झुंड का हिस्सा बन जाएंगे। लड़कियों को गुंडों से अलग करने की हमारे पास एक तरकीब है। जैसे ही लड़कियां अलग हो जाएगी, हम गुंडों को अरेस्ट कर लेंगे। क्लियर? समझ गए? ओके चलो चलो चलो। लड़कियां जल्दी चलो, बस रेडी है। अपना अपना मास्क पहनो। चलो सुप्रिया 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 सुप्रिया। S.H.O हसीना मलिक, सारी लड़कियों को कह देना कि जैसे हम आवाज लगाएं सब नीचे बैठ जाएं। जाओ जाओ। We'll be right back.
हटाओ जल्दी, मास्क हटाओ। बारबी उर्फ मोना, आखिर तुम पकड़ में आ ही गई। बहुत शौक है ना तुम्हें शेरो शायरी का, तब ये सुनो। नवाजिश जमाने की कि दिल पहले जैसा मासूम नहीं रहा, पत्थर तो नहीं बना पर अब मोम भी नहीं रहा। करिश्मा सिंह जी। मैडम सर, आपको इसके साथ 5 मिनट चाहिए थे ना, इसे कानून के हवाले करने से पहले 10 मिनट दिए। धन्यवाद मैडम सर। आई तो शर्म नहीं आई तुमको? हाँ, शर्म नहीं आती तुमको? और ये तुम्हारे लिए। मैडम सर, आज आपकी कसम पूरी हुई। आकाश, बारबी और लांबा जैसे लोग हर जगह हैं, हर फील्ड में। अरे ये तो मौके की फिराक में रहते हैं कि कब किसी मासूम लड़की का फायदा उठाएं। और इस डर के चक्कर में कोई भी भोली भाली लड़की सपना नहीं देखती। इस डर को अब हमें खत्म करना होगा, हम सबको मिलकर खत्म करना होगा। जब भी कहीं भी कुछ भी होता है तो आवाज उठाइए, शोर मचाइए, लोगों से मदद मांगिए। और लोगों से नहीं तो हमसे मदद मांगिए, हमें बुलाइए। हम हमेशा हैं आपके लिए, हर हालत में आपका साथ देंगे। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। थैंक यू सो मच मैडम सर, आपकी और आपकी टीम ने हम सबकी जान बचा ली। थैंक यू सो मच। फटाफट काटना। हाँ, क्या खड़े हो निठल्ली की तरह ऐसे? अरे बाल काटने, ओपन हार्ट सर्जरी थोड़ी करनी है, काटना। तो मारेंगे ना बिलोटे, बकवास कर रहा है तब से चिल्लाया जा रहा है। अरे यार इतना बड़ा जिम्मेदारी है यार बिलोटे, तुम्हारा गर्दन थोड़ी काटना है कॉन्फिडेंस में रहे। छोड़ दो, मैं नहीं कटवा रही। एक मिनट बैठिए संतोष, हम काट रहे, हम काट काट रहे, काट रहे संतोष, आराम से रुकिए रुकिए। काट भगवान ने तुझे इतना टैलेंट दिया, तू यूज करना टैलेंट का। तारीफ लग रहा है। अच्छा मैं आईने में देख कर आती हूँ, वो क्या है, करिश्मा मैडम की फेयरवेल पार्टी भी तो है, तो न्यू लुक होना चाहिए ना। क्यों मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं जाती हूँ। एक मिनट, तूने घटी यहाँ से छू मत यहाँ पे। क्यों? अभी वहाँ पे संधि ही छू कर गई है ना। संधि तो छू की गई ना। बिलोटे मार के टकला फाड़ देंगे तुम्हारे। हैंड्स अप, हैंड्स अप। काम करो अपना अपना जाके। इसको क्या काम है, ये तो निठल रहा है, ऐसे रहेगा। हाँ तुम्हारे बाबूजी निठल ले। मैडम देखिए ये ये ये। मैडम कोई सीरियस बात, मतलब एकदम सीरियस दिख रहे हैं आप, इसलिए। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा है हमको, आदत हो गया ना हमको इस वर्दी का, इस थाने का, तुम सबका, तुम्हारा ये बकर बकर का और ये सास बहू और साजिश का।
यकीन नहीं हो रहा है कि दो दिन बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर मतलब यहाँ कभी नहीं आएंगे। देखो बेटा, देखिए करिश्मा मैडम की क्या है, समय बलवान है, हर एक इंसान को उसकी जगह वो दिखाता ही है। जैसे कि जहाज का पंछी जहाँ चाहे उड़ जाए, लौट कर अपने जहाज पर ही आता है। हमारा बात हम पे चेप दिया, देखो बात पे कॉपीराइट कर दिया, काट दिए बाल, काट दिए, ये देखिए। मैडम मेरे बाल किसी ने काट दिए और खाट के भाग गया और मुझको पता भी नहीं चला। जब तक पलट के देखती किसी ने मेरे बाल काट दिए और बंदा गायब। देखिए मैडम, देखिए कितने लंबे घने और खूबसूरत बाल है, कितना जतन करके रखती थी, आपको कैसे बताऊं। एक औरत के लिए उसके बालों की क्या वैल्यू होती है वो आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। आप भी तो एक औरत ही हैं, ऐसे कैसे कोई मनचला बीच रास्ते से आके एक औरत का बाल काट सकता है मैडम। पुलिस और कानून जैसी कोई चीज है कि नहीं शहर में। देखिए आप प्लीज पानी पीजिए। हाँ हाँ मैं देता हूँ, ये लीजिए पानी पीजिए। उठना यार उठना। हाँ ले लिया। मर जाओगे यहीं पर। देखिए हम अच्छे से समझते हैं कि एक औरत अपने बालों को लेकर कितनी इमोशनल होती है। मैडम हर औरत होती है। वो तो है। आप लेकिन प्लीज परेशान मत होइए, हमने आपकी बात समझ ली है। हम इस आदमी को बहुत जल्द से जल्द पकड़ेंगे, अभी भी इस शहर में कानून व्यवस्था है और हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। सो टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करते हैं। हाँ वैसे हमने तहकीकात शुरू भी कर दी है। एक बात बताइए, आप कौन सी कंपनी का तेल और शैम्पू इस्तेमाल करती है? क्या कंपनी की वजह से हुआ है बालों का हमला? नहीं 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 नहीं, वो हम ऐसे नहीं आ रहे थे, हम वो ऐसे आ रहे थे। हमारे कहने का मतलब यह है कि बाल तो देखो कितने लंबे घने मजबूत हैं, तो कौन सा शैम्पू और तेल इस्तेमाल करती हैं आप? क्या है हमारा जो है ना वो एकदम ही वाही आते बकवास है। देखो बालों में ऐसे हाथ घुमाते हैं ना, तो गुच्छा हाथ में आ जा, जा। हाँ वो कौन सा कंपनी का शैम्पू तुम यूज करती हो वो इनको बता दीजिए, क्या कुछ टाइम बाद गंजी होने वाली है ना, तो फिर वो शैम्पू जो है वो जो तेल है वो सब इनके काम आने वाला है। तफ्तीश तफ्तीश करने के लिए ये सब जरूरी होगा ना, इसलिए वो लिखवाती जाइए। हम बात करें पुष्पा जी। हाँ हाँ मैडम से कीजिए। देखो प्लीज रोना बंद करो और हमें बताओ कि क्या कोई तुम्हारा दुश्मन है, कोई जो आपको जानबूझकर परेशान करना चाहता हो, या फिर ऐसा कोई जो आप पर पर्सनल अटैक करना चाहता हो? ये पर्सनल अटैक नहीं है, सब पे हुआ है, सबके साथ हुआ है। हम सब भी इन्हीं की तरह उस सनके आदमी के शिकार है मैडम, जिन्होंने इनका बाल काट लिया। उसने यही हरकत हमारे साथ भी किया है, हम सबके बाल काट दिए। देखिए ये देखिए, मैं म्यूनिसिपल ऑफिस से निकलकर अपने घर जा रही थी, वो पीछे से आया और उसने मेरे बाल काट दिए। और मैं ड्यूटी पर थी और किसी ने मेरे पीछे से बाल काट दिए। मैं अपना शिफ्ट खत्म करके घर वापस लौट रही थी, पता नहीं कहां से पीछे से आया और अंधेरे में मेरे बाल काटकर भाग गया। इसी तरह उसने हम सबको अपने पागलपन का शिकार बनाया है मैडम। हम ये नहीं जानते कि वो कौन है, कहां से आता है और ऐसा क्यों कर रहा है, पर इतना जरूर है कि वो कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है। आज उसने हमारा बाल काटा है, कल को हो सकता है वो हमारा गला भी काट दे। जाइए मैडम, इसे पकड़िए और बचाइए इस शहर की महिलाओं को। मैडम बचाइए, मैडम बचाइए, एक मिनट शांत 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 हो जाइए, हम कुछ करते हैं। करिश्मा सिंह मैडम, ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इस आदमी का पकड़े जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप संतोष, चीता और बिल्लू को लेकर मौका वारदात पर जाइए, हो सकता है वहां से कोई क्लू मिले। जी मैडम। तो ये है वो घटना स्थल जहाँ उस सरफिरे आशिक ने गौरी के बाल काटे। तो चीता कहाँ है? चीते बस इधर इधर इधर। हमारा फर गौरी का कहना है कि जैसे ही उस अपराधी ने उसके बाल काटे वो ऐसे पलक झपकते गायब हो गया। हमारा ऐसे कैसे हो सकता है, पलक झपकते लुक, क्या भूत है क्या? पॉइंट तो है,
मैडम मैडम करिश्मा मैडम, इका मकड़ी के जाला जैसा बड़ा झाड़ पहना दिया आप हमको, पूरा खोपड़ा खुजा रहा है हमारा। कहिए तो निकाल के फेंक देते हैं मैडम प्लीज। काम कर ले, काम के लिए आए ना। काम डाउन। हमें उस घटना को पुनर्जीवित करना है। हाँ। तुम गौरी हो जी मैडम। हाँ? ये घटिया अपराधी है बिल्ला। हाँ। ठीक है, ये तुम्हारे पीछे आएगा, तुम्हारे बाल काटेगा और जैसी तुम्हारे बाल कटेंगे तुम तुरंत मुड़ोगे और चिल्लाओगे। अरे नरभक्षी निशाचर दानव दैत्य इंसान लंगूरों का पूर्वज, रुक जाओ उधर। इसको इसको देख के तो ये सब निकलेगा ना मैडम। फ्रीज चिल्लाना है तुमको, ठीक है, और फिर बिल्ला तुम रुक जाओगे, फिर देखते हैं ये जो अपराधी है ये पलक झपकती गायब होता है तो होता कैसे, तब समझ में आएगा हमको, है ना। हाँ हाँ मैडम। चलो फिर शुरू हो जाते हैं। ठीक मैडम। आजा संतु इधर आ जाओ। हाँ चलो, 1 2 3 एक्शन। बिल्ले कहाँ? बाल काटने है ना मैडम। नहीं फील ही नहीं आ रहा है। क्या फील नहीं आ रहा है मैडम? मैं गुणी कलाकार हूँ, मेथड एक्टर, पुष्पा जी जैसा नहीं है मेरा। किसको ढूंढना है ए भवंडर? ऐसा नहीं, एकदम सटल एक्टिंग करता हूँ मैं, मतलब जैसे परी चाहिए वहाँ परी होनी चाहिए, ये देखो परा आ गया। कैसे मेरा एक्टिंग निकलेगा? वो फील ही नहीं आ रहा है, अंदर से दिल से आना चाहिए, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है मैडम। सुनो सुनो सुनो, कनीस का आरजू है थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन दम है बात में, चीते समझ रहे हो, बात में दम है, फील होना जरूरी तो है। इसको देखकर तो इसकी बाल नहीं गला काटने का मन कर रहा है मेरा। टकली चमगादड़, चुप रहो ना, अभिनय का बात ना तुम हमसे मत करो। अभी देख पता नहीं कहाँ पहुँच गया था अभिनय जो है ना बाबू, हमारे रग रग में बहता है, रग रग में नसो नसो में बहता है हमारा अभिनय। हमको चैलेंज मत करना, समझ? तुमको का फील चाहिए ना? अच्छा फील चाहिए। अभी देख आ जाओ मैदान में, देख। हाँ हाँ आप करें, अब चीता करेगा। देखिए मैडम। हाँ हाँ, 1 2 3 बोलो एक्शन। पकड़ा गया मैडम। नहीं नहीं नहीं, अरे ससुर गौरी लड़की है, वो एकदम से नहीं पलटेगी, इतना शातिर नहीं होगी वो, पुलिस थोड़ी ना है। ठीक है मैडम, दोबारा से करो, थोड़ा लड़कियों जैसा, थोड़ा समझ। ठीक है मैडम। 1 2 3 एक्शन। कच्चा मम्मी मैडम, फिर पकड़ा गया, कैसा निशाचर इंसान, हर बार पकड़ा जाता है। नहीं समझ में नहीं आ रहा, सही बात है ना यार, पकड़ा तो जाएगा ना, कोई आके पीछे से बाल काटेगा और कितना दूर भाग जाएगा, ये गायब कैसे हो जाता है हमको समझ में नहीं आ रहा, क्या जमीन खा जाता है या आसमान उसको निकल जाता है, और कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है आसपास कि थोड़ा भी हमको पता चल जाए कि क्या चल रहा है ये टोपागिरी। मैडम मैडम वैसे मैडम मैडम, हाँ वैसे ये पूरा प्रसंग में ना एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये जो बाल काटने वाला आदमी है ये बाल काट कर चला जा रहा है। तो क्या वो बाल काटे ऊपर से पैसे देकर जाए? चुप ना ये निशाचर इंसान, चुप ना यार, हम बतिया ले मैडम से। बतिया? मैडम कहने का मतलब है कि वो आदमी ना खाली बाल काट रहा है, उसके बाद से वो आदमी को मार भी नहीं रहा है, उसको लूट भी नहीं रहा है, उसको गरिया भी नहीं रहा है, उसके साथ उदंडता भी नहीं कर रहा है, ये कुछ हमारे समझ में नहीं, खाली बाल काट के गायब। एक मिनट। हाँ 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 पापा, हाँ हाँ पापा, मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी काम पर हूँ, मैं इतनी बार तो पापा बोलती हूँ दिन में। हाँ हाँ मैं आपको बताती हूँ, काम पर हूँ, ठीक है संतु? अब हाँ मैडम, ठीक है ना सब? पुष्पा जी। मैडम सर, अब तक 20 लड़कियों के साथ ये हादसा हुआ है और ये रही उन सबकी लिस्ट। दिखाइए। ये जितनी भी लड़कियां हैं ये सब अलग अलग पेशों से आती हैं, कोई म्यूनिसिपल में काम करती है, कोई सिक्योरिटी में है, कोई लॉयर है, एयर हॉटेस्ट तो कोई एयर हॉस्टेस है। ये जो कोई भी है ना बहुत सफाई से इन सबके बाल काटता है और फिर उतनी ही सफाई से वो वहां से भाग भी जाता है। इनफैक्ट इन सबको देख कर ना ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही तेज धार वाली कैंची का इस्तेमाल करता होगा जो एक झटके में बाल काट कर चला जाता है।
चीता चतुर्वेदी, इकबाल को बुलाओ। जी मैडम सर। तो इकबाल मियां, बताइए क्या लगता है आपको कि ये किसका काम है? किसी प्रोफेशनल सलून वाले का काम है या फिर किसी ने ऐसी बस एक तेज धार वाली कैंची से बाल काट दिए? इतने सारे बाल हैं किसके? मेरे। किसने काटे हैं वो बताओ ना, किसके बाल है? घर लेके जाओगे क्या? अरे नहीं, हम कह रहे किसी सलून वाले काम नहीं है ये। बाल काटना एक आर्ट है, हुनर है, कला है। ये किसी अनाड़ी ऐसे आलतू फालतू आदमी का काम है। कैंची पर चला दिया बालों पे। Are you sure? हाँ मैडम सर, खानदानी कारीगर है, तजुर्बा कहता है हमारा, मतलब अनुभव कहता है। एक्सपीरियंस बोलना। हाँ हाँ हाँ, एक्सपीरियंस है हमारा ये कि ये किसी सलून वाले का काम नहीं है। इतने मोटे और घने बाल तो सिर्फ वो भारी वाली कैंची होती है ना, उससे काटे जा सकते हैं, और नहीं कट सकते। ठीक है, तुम श्योर हो ना? हाँ 100%। तो फिर अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सब मैडम सर बोले ना तब वहीं जाना, उससे पहले बैठे रहो यहीं पे। प्लीज जाओ। शुक्रिया मैडम सर। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आज रात को आप क्या कर रही हैं? नहीं मैडम सर, वो आज गुरुवार है ना, तो पुष्पा जी के घर के पीछे बरगद का पेड़ है, वहाँ वो ऊपर चढ़ के करिश्मा मैडम के नाम की नींबू मिर्ची बांधती है ताकि वो उनके वश में रहे। मैडम सर क्या बताएं, उस पेड़ से ना 10 बार से भी ज्यादा गिर चुकी है पुष्पा जी, धपक धपक ऐसे करके, लेकिन आज तक करिश्मा मैडम इनके बस में नहीं आई। बस जीते क्या मैडम सर, ये दोनों कितना बकैती कर रहे हैं। देखिए हमारा मासूम सा चेहरा देखिए, आपको लगता है कि हम ये सब कुछ करते होंगे? हम कह रहे हैं कि आज रात को पेट्रोलिंग के लिए चल सकता है, तैयार रहिएगा। अच्छा तो आप वो ऐसे आ रही थी? हाँ हाँ बहुत बढ़िया मैडम सर, वो केसरगंज में चाय की दुकान है ना, जिसकी दुकान रात भर खुली रहती है, काफी दिन हो गए इलायची वाली चाय नहीं पी है वहाँ, तो वहाँ से। हाय मिसेस करिश्मा सिंह, बात हुई आपकी हसीना मलिक से? आपने कन्विंस किया उन्हें हमारी कंपनी के ऑफर के लिए? क्या हुआ, नहीं किया क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको ये नौकरी बचानी है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। लगता है आपने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, और जो मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता है वो यहां पर काम भी नहीं कर सकता है। कुछ कह रहे थे सर आप? अरे आपने तो मेरी बात को सीरियसली ले लिया, और ये सब क्या है? ये सब ऑफिस में अलाउड नहीं है? नहीं वो कहा है ना, अभी तक पुलिस का नौकरी छोड़े नहीं है ना हम, 2 दिन बचा है अभी उसमें, इसलिए ये रखना पड़ता है कि कब कहाँ किसका एनकाउंटर करना पड़ जाए, कब किसका खोपड़ी फोड़ना पड़ जाए, कब किसको ठोकना पड़ जाए। हमारे दिमाग में ना हमको भरोसा नहीं है कब हमारा दिमाग पलट जाए, समझ रहे हैं आप? दिमाग पलटने से याद आया सर, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक हमको नहीं मिला, कब मिलेगा? अपॉइंटमेंट लेटर ना? हाँ वो तो मैं आपको खुद ही देने वाला था। 5 मिनट, 5 मिनट में आपके डेस्क पर होगा। क्यों कह रही हो? कॉफी लेंगे आप? जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। 5 मिनट, क्यों कह रही हो? धन्यवाद। काम कीजिए ना अपना अपना। जय हिंद करिश्मा मैडम। संतू, बाल वाले केस के बारे में कुछ पता चला? कुछ सूत्र, कुछ सुराग आगे का जांच पड़ताल करने के लिए? लगता तो नहीं है, लेकिन पुष्पा जी और मैडम सर जो है आज रात को उसी एरिया में नाइट पेट्रोलिंग के लिए जा रही है, तो हो सकता है कुछ हाथ लग जाए। नाइट पेट्रोलिंग? पुष्पा जी, अम्मा वो काम तो हमारा है ना, तो पुष्पा जी को कहे लेके गई है मैडम से? बताओ लेके भी गई है तो पुष्पा जी को, जो अंधेरे में धुंधला जाती है। अच्छा चलो ठीक है, अभी रखते हैं, हम करते तुमको फोन। धन्यवाद।
क्या लगता है आपको मैडम सर, ये औरतों के बाल काटने वाला इंसान इतना दलेर होगा कि SHO हसीना मलिक और हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह के बालों के साथ पंगा लेगा? पुष्पा जी, हर कोई तो जानता नहीं ना कि हम पुलिस वाले हैं। और दूसरी बात, हम आए ही हैं यहाँ ताकि वो हमें छेड़े, कुछ करे और हम उसे पकड़ लें। तो अब उम्मीद तो यही है, देखते क्या होता है। अंधेरी रातों में सुनसानी राहों पर, अंधेरी रातों में क्या हुआ? शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। हसीन जवान जान लड़की देखने की बस छेड़ना शुरू। पुष्पा जी, आप भी ना, इतने भी हसीन नहीं है हम। नहीं नहीं मैडम सर, हम हमारी बात कर रहे हैं। हम जैसी हसीन जवान जहान लड़की देखी नहीं कि बस छेड़ना शुरू हो गए। घर से निकलना मुश्किल हो गया इन मंचलों की वजह से। एक किस्सा सुनाते हैं मैडम सर आपको। पता है एक दिन क्या हुआ? क्या? हम और लल्ला के पापा ऐसे टहलने गए थे तो कुछ लड़कों ने हमें छेड़ा। अच्छा, फिर? फिर क्या, धो डाला लड़कों को? नहीं नहीं, लड़कों ने लल्ला के पापा को धो डाला। पूरी रात हम गर्म पट्टियां करते रहे मैडम से। उस दिन हमें एहसास हुआ कि इतना भी जवान जहान और खूबसूरत होना अपने आप में भी एक अभिशाप है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप पुष्पा जी, लेकिन अब तो आप कांस्टेबल है ना, अब तो आप अच्छे से जानती हैं इस तरह के लफंगों से निपटना। नहीं, एक काम करते हैं, अभी जब वो आएगा ना ये बाल काटने वाला, तो आप अकेले ही उससे निपटना, हम बस खड़े होकर देखेंगे। हाँ हाँ मैडम सर, ठीक है। हाँ अम्मी। एक मिनट, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए। हाँ हाँ, अब बताइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ गए। प्लीज इतना पैनिक मत करिए, हम आ रहे हैं, ठीक है? ओके। क्या हुआ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, हमारी अम्मी आजकल हर छोटी छोटी बात पर इतनी पैनिक हो जाती हैं कि अब उनकी रात की दवाई खो गई है तो उन्होंने पूरी हाय तौबा मचा कर रखी है। पुष्पा जी, हमें जाना होगा, लेकिन आप थोड़ी देर पेट्रोलिंग और कीजिए, खत्म करके घर जाइए, क्योंकि हम घर के बाद थाने जाएंगे, हमें कुछ काम है। हाँ हाँ ओके ठीक है, गुड नाइट मैडम। जय। कोई तो था पीछे, हमने साफ साफ किसी के उड़ाने की आवाज सुनी, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, छुपो, कहाँ तक छुपोगे, छुपो, अभी निकालते हैं तुमको ढूंढकर और फिर चखाते हैं पुष्पा सिंह की मार का मजा। ये केस तो अब हम ही सॉल्व करेंगे। हाँ पापा, एक बार आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अरे बिलोटे, क्या लग रहा है तुमको, क्या चल रहा है? प्रेशर है? जाओ जाओ कर क्या हुआ, यहीं पर है। अरे दिमाग के नाम पे खाली फुग्गे भरे क्या? अरे प्रेशर मतलब घर वालों का प्रेशर। लड़की जवान है, सयानी है, पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली है, और क्या चाहेंगे घर वाले? घर वाले तो क्या चाहेंगे, शादी चाहेंगे। घर वाले और क्या चाहेंगे, लड़की की शादी हो जाए, उसका घर बन जाए, वो सेटल हो जाए, इसीलिए फोन किया है संतोष जी को घर वालों ने। लेकिन उसकी वजह से वो ये अपसेट दिख रही है। ए ब्लोटे, फिर तो ये तो बहुत ज्यादा चिंता वाला बात हो गया यार। क्या? क्योंकि घर वाले संतोष जी के शादी का चक्कर लगा रहे हैं। हाँ तो संतोष जी के घर वाले लोग को तो पता ही नहीं है ना कि संतोष जी का यहाँ पर हमारे साथ चक्कर चल रहा है। एक तरफा चक्कर, घन चक्कर, सिर्फ तेरी तरफ से, वन वे ट्रैफिक है ये। संतोष जी ने तुझे कभी कहा है आई लव यू? यही जिंदगी में कभी एक बार भी प्यार किए होते ना, तुमको पता चलता। कभी कभी एकदम ऐसे
प्यार का इजहार करने के लिए शब्द का जरूरत नहीं पड़ता बाबू, शब्द कम होते हैं। संतु जी भले इसे शब्द में हमको आई लव यू नहीं बोली है, लेकिन आंखों आंखों में दिल से 1500-2000 बार हमको आई लव यू बोली है। इसी गलतफहमी की वजह से दुनिया के आधे से ज्यादा दारू के ठेले चल रहे हैं। तुम भी देखना, संतु जी की शादी हो जाएगी, तुम भी उन्हीं के लाइन में लगोगे एक पौवा लगा कर। संतु जी कहती अरे अरे मुंह खोलेगा तो कुछ का कुछ तो अच्छा बोल, क्या बोल रहा है तुम, क्या बोल रहा है? अरे ये प्यार है, रेलवे का टिकट नहीं, जो बिना कंफर्म के कैसे भी करके घुस घास के मैनेज कर ले। ए बिलोटे तुम तो उम्र में हमसे बहुत बड़ा है यार, तो अपना अनुभव का इस टूट टूट तो तुम तो उम्र में बड़ा है ना, तो अपना अनुभव के हिसाब से बताओ ना कि संतु जी के घर वाले क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? अरे ये पिल्लू चंपत अपना पिल्लू निवास छोड़ देगा अगर संतोष जी ने सपने में भी तुझे शादी की तो। अबे तू ट्यूबलाइट है, बेवकूफ नहीं है, तेरे जैसे फालतू इंसान से कौन शादी करेगा बे निठल्ले। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। लिख के दे सकता है? हाँ। लिख के दे सकता है? लिख के दे। तुम ना बाबू एक क्या कर रहे हो, कागज पेन रेडी? हाँ हाँ, तुम ना लिख के देखे अगर संतू जी हमसे शादी की ना तो तुम बिल्लू निवास छोड़ देगा, लिख कर। संतू जी ए पेपर लिख। संतू जी संतू संतू जी संतू जी क्यों ऐसे मतलब बुझी बुझी सी लग रही हैं, झुरमुराए से फिर रही हैं आप ना? और आपका झुरमुराना बनता भी है संतू जी, बताइए अब थाना में ऐसा लालटेन जैसा केस आएगा तो आदमी उदास ही हो जाएगा ना। कैसे कोई भी औरत अंदर खुश जा रही है, हाय हाय हमारे बाल कट गए, हमारे बाल कट गए। ये क्या बात हुआ, घर का खेती है कभी उग जाएगा, बाल ही तो है, बाल ही तो है संतू जी, बाल ही तो है। तुझे पता लड़कियों के लिए उनके बालों की क्या वैल्यू होती है जीते? क्या अगर हमारे बाल नहीं होते ना तो दुनिया की आधे से ज्यादा शैम्पू की कंपनियां जो है ना वो बंद हो जाती। हमारे बालों की वजह से ही हेयर ऑयल और हेयर जेल की कंपनी चल रही है। तुझे पता है हमारे बाल नहीं होते ना तो दुनिया के जितने भी शायर है ना भूखे पेट मर जाते, क्योंकि उन्होंने हजारों लाखों शायरियां गीत गजल हमारी जुल्फों को लेकर ही बनाया है। तू खुद सोच चीते, अगर औरतों को झगड़ना हो तो टकली औरतें एक दूसरे से झगड़ा कैसे करेंगी, नोचेंगी क्या? वो जुओं की जो कंघी होती है, हेयर मेडिकेयर होता है, मेहंदी होती है, ऑयल होता है, इन सबकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। तू खुद सोचना, टकली डायन और चुड़ैल रहेंगी तो उनसे कौन डरेगा चीते? और सबसे बड़ी बात चीते, अगर तुम मर्द शादी करना चाहोगे तो टकली दुल्हन की मांग भरोगे क्या? ये देखो ये टकला देखो, यहाँ पे मांग कहाँ दिख रही है, सिंदूर कहाँ डालोगे तुम? बात करता बैठो। नहीं मैडम सर, यहीं पे। क्या परेशानी है? परेशानी परेशानी तो बहुत है मैडम सर, किस्मत और क्वार्टर कनल लगातार खराब चल रहे हैं, मेरे पिंपल्स जा ही नहीं रहे हैं और सैलरी है कि आ ही नहीं रही है, महीने के बिल सर पे खड़े और पापा मेरी शादी के पीछे पड़े हैं मैडम सर। आज के दिन क्या परेशानी है वो पूछ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि तुम सुबह से थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रहे हो और अभी खामखा बिल्लू और चीता को इतना कुछ सुना दिया, किसका गुस्सा निकाल रही हो? सोशल मीडिया मैडम सर, सुबह चीते ने मेरे बाल काटे थे ना तो मैंने वो सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो क्या लाइक्स नहीं मिले? लाइक्स तो बहुत मिले मैडम सर। ट्रोल हो गई? नहीं। तो फिर क्या? घर वाले मैडम सर, घर वाले, उन्होंने वो फोटो देख ली और अब जिद कर रहे हैं कि मैं वापस घर आ जाऊँ ये नौकरी छोड़कर। क्या, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ आकर मुझे यहाँ की हवा लग गई है, मैं बिगड़ गई हूँ। इनफैक्ट मैडम सर उन्होंने तो मेरा रिश्ता भी फिक्स कर दिया मैडम सर, और पता नहीं कहाँ किया होगा। बिल्लोटे ए ए अच्छा इधर साला चीते, लेकिन तू टेंशन मत ले, देखो अभी कितना बजा है, 8:30 ही हुआ है, यहाँ के दारू के ठेले चालू रहते, संतोष जी की शादी हो जाए तब तुम पावा लगा कर मर जाना संतोष जी। सर राक्षस आदमी है रे, दैत कैसा पिशाच नाथ इंसान है, अरे डायन भी 6 घर छोड़ के तब वार करती है, ऐसा विपरीत स्थिति में वार साथ तो गए बिलोटे। बिलोटे अगर संतोष जी का शादी किसी और से हुआ ना तो ये चीता चतुर्वेदी अपना प्राण त्याग देगा। वादा?
बिलोटे यार कुछ कर। बिलोटे मतलब हम क्या बोलते हैं कि संतु जी का परिवार वाला लोग उनका शादी कहीं और फिक्स करे, उससे पहले हम लोग चलते हैं ना, हम लोग उनके घर वाले लोग से अपना रिश्ता मांग लेंगे, मतलब हमारा रिश्ता मांग लेंगे हम लोग। हाँ हाँ, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारा बाप बन के वहाँ जाऊँ? ना ना, हमारी माँ इतना खतरनाक बाप डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तुम सपोर्ट कर हमारा, खाली हमारे साथ रह, समझा ना? नहीं बुलाते बुलाते बुलाते, सॉरी 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 बाबू, सॉरी बुलाते बुलाते। ओके ठीक है, हमने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सुन ली है, समझ ली है। एक काम करो, करिश्मा सिंह के फेयरवेल के बाद ना कुछ दिनों के लिए छुट्टी लो और घर जाओ, और घर वालों को इत्मीनान से बैठा कर उन्हें समझाओ कि शादी सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। वो कोई अचीवमेंट नहीं है, कमिटमेंट है जिसे बहुत सोच समझ कर अपना वक्त लेकर करना चाहिए। उन्हें समझाओ अच्छे से, वो समझ जाएंगे। मैडम सर प्लीज, आप एक बार मेरी मम्मी पापा से बात कर लेंगी? आपको तो एक्सपीरियंस है ना शादी ना करने का। सोच के बताती हूँ मैडम सर। जय हिंद। अरे रे, ये क्या कर रहा है? तुम्हारा जन्मदिन है जो इतना घटिया तरीके से सजा रहा है, ठीक से सजाओ ना यार। अच्छा, संतोष जी का शादी का मंडप मैं ही सजा रहा हूँ, उसमें तुम पिपनी बजाना। ऐसे मत बोल बिलोटे। बिलो जी। संतोष जी लाइए। संतोष जी कहाँ लगा? संतोष जी। अरे जय हिंद। जय हिंद। ये बिल्ले का है सब? हमारे तरफ से छोटी सी कोशिश है, मतलब आज का दिन इस थाने का आपका आखिरी दिन है, तो हमने सोचा कि ये दिन आपका स्पेशल हो, बेहतरीन हो, यादगार हो, इसीलिए ये छोटी सी कोशिश। हाँ, अब कल से कोई भौकाल भी नहीं दिखाएगा यहाँ। और आप नीडर होके अपनी बहू के बारे में जो बोलना चाहती हैं बोल सकती हैं। क्या संतोष बोल रहे हैं? हम कहाँ कुछ बोलते करिश्मा जी के पीठ पीछे। नहीं नहीं पुष्पा जी, आप बोलती तो हैं, आप चुड़ैल बोलती हैं, आप डायन बोलती हैं। चुड़ैल कब बोलते हैं हम? हाँ चुड़ैल नहीं बोलती, डायन बोलती। नहीं नहीं, मतलब वो हमारे शिवजी साक्षी हैं, हम कभी कुछ नहीं बोलते आपके बारे में। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, ये सब इनका प्यार है आपके लिए। इनफैक्ट करिश्मा सिंह, हम चाहते हैं कि आज के दिन आप बिल्कुल कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ एंजॉय करेंगी और खुश रहेंगी। खुश तो मैडम सर हम ड्यूटी के वक्त ही रहते हैं। ड्यूटी करते वक्त जो हमें आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होती है ना, वो कहीं और नहीं होती है। इस वर्दी से हमारा ऐसा रिश्ता है जैसे नाखून का खाल से मरते दम तक अलग नहीं होते हैं। वो तो मजबूरी में हमको जाना पड़ रहा है। मैडम सर, हम चाहते हैं कि हम अपने ड्यूटी का आखिरी दिन ड्यूटी करते हुए बिताए। वो जो टोपा आदमी है ना, जो उन मासूम लड़कियों के बाल काट रहा है, वो अपराधी को हम जल्द से जल्द पकड़ना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि नाइट पेट्रोलिंग के लिए भी ना हम जाएं ड्यूटी पर, और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम संतू को अपने साथ ले जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल ले जाइए, लेकिन एक छोटा सा एडवाइस है हमारा, आप दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म पहन कर जाइएगा, क्योंकि कल हम और पुष्पा जी गए थे पेट्रोलिंग के लिए और हमें थोड़ा सा खराब एक्सपीरियंस हुआ है ना पुष्पा जी? मत पूछे मैडम सर, मत ही पूछे। हमारी खूबसूरती ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम जैसे नौजवान हसीन कमसीन लड़की देखी नहीं कि बस पीछे पड़ जाते हैं मन चले, जैसे कल रात पीछे पड़ गए थे। कितनी मुश्किल से हमने अपने आप को बचाया है हम ही जानते हैं ना मैडम सर? बिल्कुल सही कह रही हैं पुष्पा जी। माँ, अब कौन सी चक्की का आटा खाते, हमें भी बताओ, हमें भी खूबसूरत होना है ढलती उम्र में। बिल्ले आटा आटा नहीं चाटा खाओ तुम मैडम का। तुमको क्या हुआ संतू? कुछ नहीं मैडम, वो आपको बताना था कि ये जो बाल काटने वाला केस है, इसमें जितनी भी औरतों के साथ ये हादसा हुआ है, उन सबकी स्टेटमेंट में एक कॉमन बात है। हाँ का कॉम का? यही कि हादसे से पहले उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है और घुर्रा रहा है। हाँ मैडम सर, कल रात हमें भी ऐसा ही एहसास हुआ जैसे हमारे पीछे खड़े रह के कोई घुर्रा रहा है। कैसे? ऐसे। संतोष शर्मा, एक काम करो, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उन सब में ये न्यूज फ्लैश करवाओ कि अगर कभी भी कहीं भी किसी लड़की को इस तरह के घुर्राने की आवाज अगर सुनाई देती है तो तुरंत हमें कॉन्टेक्ट करे और हमारा नंबर साथ में अटैच कर देना। जी मैडम सर।
देख इकबाल, आज रात यही करे जाएगा करिश्मा सिंह के फेयरवेल पार्टी में। पक्का? अबे चपड़ गंजू, पक्का पक्का पक्का। ए बिल्ले बिल्ले, चोर चांडाल बिल्ले। ए अरे अरे अरे, ये क्या कर, बालों की तेरी खोपड़ी भी खाली हो गई क्या? ए तू निकल रे, तेरा नाम इकबाल है तो क्या बालों के ऊपर ही जोक मारेगा तू? कर क्या रहा है तू, पहले ये बता। अबे पार्टी है ना, है कि नहीं? तो पार्टी किसके बिना अधूरी है? हमारे बिना। पार्टी में नौकर चाकर चाहिए, वो तो तू है ना? पार्टी इसके बिना अधूरी है। अरे इनके थाने वाले की पार्टी तो एकदम बोरिंग चलेगी, लेकिन अपनी पार्टी इससे ही एंजॉय करेंगे हम। अपना इंतजाम हमें ही करना होगा, ये तो खुद नहीं पिएंगे और हमें भी पीने नहीं देंगे, इसीलिए। ये ले तेरा लव सीट। ओके। ये लेकिन बिल्ले, हम पहचानेंगे कैसे, सब तो एक जैसी है बॉटल। इसका रैपर निकाला। तो बिना रैपर की जो बॉटल है वो हमारी पार्टी की बॉटल है। चोर 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 चोर, दिमाग चोर दिमाग। बिल्ले हटो 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 हटो। बिल्ले। हाँ रे। हाँ चीते, क्या हुआ? बिलोटा हमने तय कर लिया। वेरी गुड, टच में रहना बाय। का बाय रे रे, का बाय, का बाय? क्या हुआ? अरे तू पुलिस की नौकरी छोड़ के जा रहा है ना बाबू? लाइफ में फर्स्ट टाइम अच्छा डिसीजन लियो बाबू। हाँ पता नहीं क्या, तुम भर्ती हो गए, तुम उस लायक हो नहीं पुलिस। तुम दोनों इंसान रहने के लायक नहीं हो, हो ना इंसान? रहोगे चुप तुम लोग? बिलोटे यार, हमने यही तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, हम संतू जी के बाबूजी के पास जाएंगे और संतू जी के बाबूजी से ना उनका हाथ मांग लेंगे। बिलोटे पक्का? पक्का। तो मांग क्या, क्या क्या मांगे, कैसे मांगे? अरे हाथ मांग, कैसे मांगे, मतलब मांग के बता ना, प्रैक्टिस कर, कैसे मांगेगा बता। ठीक है बिलोटे, एक काम कर, तुम ना संतू जी का बाबूजी बन जा, ठीक है? उसके बाद से हम आते हैं, हम हाथ मांगेंगे तुमसे। ओके। बैठ बैठ, उनके बाबूजी। संतू जी के बाबू को लगा है चश्मा, हाथ में पेपर। प्रणाम चाचा जी। चाचा जी, हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है और हम आपकी बेटी संतोष शर्मा से ना बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप कुछ भी करके ना, मतलब ऐसे हम पर एहसान कीजिए और उनका हाथ ना हमारे हाथों में दे, दुनिया का सारा खुशी हम उनके कदम में ऐसे डप से करके फेंक देंगे, हमेशा खुश रखेंगे उनको। आप प्लीज चाचा जी, प्लीज ना इसे संतु जी को ना हमारे साथ शादी करने का परमिशन दे दीजिए। गेट आउट। भाई भाई, बड़े भाई, भाई तू हाथ मांग पर ये मत मांग। बैठ बैठ बैठ, तुम दोबारा बैठ, बाप बन हम दोबारा प्रेस्टिक करेंगे, बैठ। क्या हुआ तुमको? अंदर भी देख रहे थे, थोड़ा उखड़ी उखड़ी थी तुम, कोई चक्कर है? हमें हमें बताओ, हम हल निकालते हैं। घर वालों की प्रॉब्लम मैडम, शादी के पीछे पड़े हैं, शादी शादी शादी, क्या करूं मैं, कैसे पीछा छुड़वाऊं? संतू एक आइडिया है जिससे समस्या का हल निकल सकता है, सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी टूट जाएगा। कैसे? समझ रहे हो, कैसा लगा? नहीं मैडम, आइडिया अच्छा है, लेकिन चीते के साथ ऐसा करना ठीक होगा क्या? हम सच में थोड़ी कर रहे हैं, तुम्हारी समस्या का हल निकल जाएगा, तुम उसके बारे में सोचो। ओके। ओ इकबाल, अरे बता ना मैं कैसा लग रहा हूँ, अरे बता बता। बदनाम भाई कमाल आदमी यार, कुछ भी पहन लो तुम चाय वाले लगते हो। बदनाम भाई चलो चोरी से अपनी वाली बोतल पी लेते हैं। अरे नहीं, अरे वो चोर चंडल के बगैर पार्टी नहीं हो सकती। तो लेकिन चोर चंडल है किधर? कहा गया उजड़ चमन, ढूंढो उसको। ये देखो, चु, 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 आराम से चलते हैं। बिल्लू मेरे भाई, इधर बैठो इधर बैठो। अबे ऐसे कोने में बैठा नशे में लग रहा है, हमारे बच्चे की पिया क्या बे? अबे चुप चु,
चुका ना। क्या चुका? अरे विदाउट रैपर वाली अपनी दारू की बोतल दिख नहीं रही है। झूठ बोल रहा है, तूने पिया ना? मुंह का भौंकल भौंकल खोल खोल। अरे बिल्ले कम से कम ब्रश तो किया कर। इसने नहीं पिया। हाँ। कोई और पी के टल्ली हो गया तू? कौन? देख बिल्ले, माँ कसम कहता है अगर हम पकड़े गए ना तो माँ का बाप का दादा का सबका बदला हम लोगों से लेकर है। ये देखो आबेल मुझे मार, बताएगा कानून को? अरे तू नहीं बताने का, नहीं बताने का। लेकिन गलती से कौन है जो हमारी दारू की बोतल पी रहा है? चल ढूंढते, ढूंढना पड़ेगा। चल हेलो एवरीवन, एक्सक्यूज मी, हाय, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी एसआई करिश्मा सिंह का इस थाने में आखिरी दिन है। आज उनकी फेयरवेल पार्टी है और इस पार्टी में हम सभी ने कुछ कुछ थोड़ा सा लिखा है इन्हें सुनाने के लिए। तो मैं अब आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक एक करके यहाँ पर आए और अपनी तहरीर पढ़े। बहुत बढ़िया, सबसे पहले स्टार्ट करेंगी पुष्पा जी। चलिए चलिए चलिए, ऑल द बेस्ट। अरे जाइए। ठीक है। शायरी लिखेंगे अखबार? चीते आना जरा। हाँ हाँ पुष्पा जी, हम आ गए। अरे बस हम हैं। दीजिए दीजिए, हम पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ। लीजिए इत्मीनान से पढ़िए। देखिए सब। हाँ तुम तेज हो जैसे तलवार की धार, तुम बुद्धिमान हो जैसे नुकीले खंजर का वार, तुम जय हो, तुम प्रलय हो, तुम हो भोकाल, तुम शत्रुओं का काल, तुम दुश्मनों का पराकाल, तुम बावंटर, तुम समंदर, तुम जलाल, तुम बवाल। वाह तालियां, वाह। बोतल हमारे पास दो, तालियां बजाओ आराम से। नहीं ठीक है रखो। ध्यान दीजिए, अब हमारा बारी है मैडम आपके लिए। हम आप आरी, आप न्यारी, आप भावनाओं की क्यारी, आप तो हैं जान हमारी। करिश्मा मैडम जी, थाने की दुलारी, शान हमारी, शब्दों में नहीं समा सकता वो सम्मान जो हम आपके लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए होंगी आप इंसान, हम तो आपकी गिनती फरिश्तों में करते हैं। क्या हाथ में आ गई? सॉरी मैडम, वो गैस खत्म हो जाएगी, दीजिए हम दूसरा देते हैं। अरे मैडम, अरे हम दूसरा लेकर आ गए, ठंडा ठंडा वाला। चिल्ड। ओ तुम ही पियो, तुम्हारा चिल्ड जहर, हमको ये पीना है। और तुम दो चीज कभी नहीं रोकी जा सकती। क्या बात है चीते, क्यों इतना ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुम? उसको बोलने तो दो। आप बोलो संत, बोलो। हाँ, दो चीज कभी नहीं रोकी जा सकती, आपका भौकाल हो या मेरे क्वार्टर के नल का पानी। दोनों को रोकने में अच्छे अच्छों को याद आ जाती है नानी। महिला थाने का इतिहास दोहराएगा आपकी ये कहानी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लव यू मैडम। लव यू टू संतु जी। करिश्मा मैडम की तरफ से। हेलो मैडम, मैं अभी कल्याण मार्ग पर हूँ। मैं केयर होस्टेस हूँ, मैं घर से एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, रिक्शे का वेट कर रही थी कि अचानक उसी तरह घुर्राने की आवाज सुनाई दी जैसी आपने टीवी पर बताई थी। मैडम मुझे लगता है ये वही है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मैडम, मुझे बचा लीजिए। अच्छा ठीक है रिलैक्स, हमें बताइए आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अभी मैं रतन नगर रोड पर हूँ। ठीक है, तुम घबराओ मत, धीरे धीरे आगे बढ़ो, हम वहाँ पहुँच ही रहे हैं। हमसे फोन पर बात करती रहो, ठीक है? अब एक सेकंड के लिए होल्ड करो। हमें इन लोगों को बिना बताए यहाँ से जाना होगा, नहीं तो करिश्मा सिंह की फेयरवेल पार्टी खराब हो जाएगी।
और किसी भी हाल में हमें इस आदमी को पकड़ना है। अच्छा ठीक है रिलैक्स, हमें बताइए आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अभी मैं रतन नगर रोड पर हूँ। ठीक है तुम घबराओ मत, धीरे धीरे आगे बढ़ो, हम वहाँ पहुँच ही रहे हैं। हमसे फोन पर बात करती रहो, ठीक है? अब एक सेकंड के लिए होल्ड करो। हमें इनकी पार्टी खराब नहीं करनी चाहिए, सब कितने खुश हैं। सुनिए ना, अम्मी का फोन है, वो थोड़ी सी परेशान है, हम बस घर वो कराते हैं, आप लोग इंजॉय करें। हाँ बस यू गए और यू आए, जल्दी आइए। हाँ मैडम, एट योर सर्विस। दिक्कत का है तुम्हारा। मैडम मैं पैदल चलते हुए अम्बेडकर पार्क वाली गली में पहुंच गई हूँ। ओके ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम निकल गए, हम वहाँ पहुंच ही रहे हैं। तुम घबराओ मत और धीरे धीरे बस चलती रहो। सुनो हमारी बात सुनो, होशियार रहना, बिल्कुल धीरे धीरे चलती रहो, और अगर कोई भी संदिग्ध या सस्पिशियस इंसान तुम्हें दिखे तुरंत हमें बताओ, ठीक है? हम बस पहुंच ही रहे वहां थोड़ी देर में। यस मैम। तुम्हारा नाम क्या है? पल्लवी। ओके, तुमने रेड कलर का एयर होस्टेस का ड्रेस पहना हुआ है? हाँ। ओके ठीक है, घबराओ मत, हम तुम्हारे पीछे हैं, पलट के मत देखना। हम सामने नहीं आ सकते वरना क्रिमिनल अलर्ट हो जाएगा और भाग जाएगा, ठीक है? अब चुपचाप धीरे धीरे चलती रहो, बिल्कुल कैजुअल नॉर्मल तरीके से चलो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब रुक जाओ, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। मैडम अब ठीक है ना? हम ठीक है, तुम ठीक हो? ओके गुड। क्या हुआ? नहीं हमने जो आइडिया दिया था तुमने अजमाया, हल निकला समस्या का? हिम्मत ही नहीं हुई ना मैडम, डर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अम्मा तुम इतना डरती क्यों हो संतू, हमको ये समझ में नहीं आता है। तुम ये पकड़ो, गठो, इसको गठोगी ना तो तुम्हारी जितनी भी धाराएं चल रही हैं ना दिमाग में सब ऐसा ऐसा रफू चक्कर हो जाएगी, बता रहे ऐसा सब एकदम हल्का हल्का लग रहा है। हल्का हल्का? पियो पियो पियो। कड़वी है? हाँ हमको भी कड़वा लगा था पर बाद में देखो ना सब मीठा मीठा लग रहा है।
पियो। मजा आया? क्या कर रही हो? शर्मा जी को फोन। शर्मा जी? डैडी। हाँ? हेलो पापा, प्रणाम। आप सोए तो नहीं ना? नहीं। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात कहनी है आपको, तो संतोष शर्मा कहेगी और शर्मा जी सुनेंगे संतोष शर्मा की बात। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ? अपने पापा से कैसे बात कर रही है बुलबुल? पिताजी हमें फोन दीजिए, हम बात करते हैं। लाइए। क्यों, हम बात कर रहे हैं ना, कुछ पीवी तो नहीं रखी हो? हाँ? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं पापा। आप भी ना, वो आप कह रहे थे ना मेरी शादी की बात, कि मैं शादी कर लूं, सेटल हो जाऊं, घर बसा लूं, है ना? तो मैं शादी कर रही हूं। हाँ? हाँ, ये महिला पुलिस थाने का ही कांस्टेबल है, चीता चतुर्वेदी नाम है, उसके साथ शादी कर रही हूँ। यही मौका है चीता चतुर्वेदी, लगा दे संतु जी के बाबूजी को फोन और बोल दे उनसे कि बाबूजी हम ना आपके सुपुत्री से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम ना उनसे शादी करना चाहते हैं। बाबूजी आप ना उनका हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए, हम ना उनको पूरा जिंदगी बहुत ज्यादा खुश रखेंगे। लगा फोन चीता चतुर्वेदी, लगा। हाँ जी, चीता चतुर्वेदी, क्या हुआ, कहाँ है, फोन काट दिए? अबे बचपन से जानते हैं तुमको, डरपोक थे हो और हमेशा रहोगे, एक नंबर का फट्टू इंसान हो तुम, नहीं लगेगा बाबू तुमसे, तुम्हारे बस का नहीं है। अरे किस बात का डर खाया जा रहा है तुमको कि पिताजी ना बोल देंगे? लेकिन पूछोगे नहीं तो हाँ या ना का पता कैसे चलेगा? अरे हाथ ही तो है, मांग लो, लगाओ फोन। अरे एक मिनट, कहाँ ही कहाँ फोन लगा पाएगा, अरे नहीं लगा पाएगा ये, रखो फोन यार। देखे 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 ना तुम, अरे फट्टू है, बचपन से जानते हैं इसको, हमेशा डर डर के जीता रहा है, ऐसे ही मरेगा, नहीं लगा पाएगा ये फोन। एक मिनट, लगाएगा फोन, लगाएगा, लगाओ लगाओ चीता चतुर्वेदी, फोन लगाओ। अरे नहीं लगा पाएगा, लगाएगा, नहीं लगा पाएगा, लगाएगा, अरे नहीं लगाएगा, लगाएगा, अरे एक मिनट। शादी करना चाह रही है वो। हम करवा तो रहे हैं उसकी शादी। वो कर रही है शादी? हाँ तो उसकी शादी करवाएंगे तो वही करेगी ना। अरे बेटा वो अपनी मर्जी से अपने पसंद के लड़के के साथ शादी करना चाह रही है। क्या? हाँ। देख बेटा, अरे समाज बिरादरी नाम की कोई चीज है कि नहीं है दुनिया में? हाँ है ना, तो कैसे कैसे, अरे ऐसे कैसे हम किसी के भी हाथ में तुम्हारा हाथ दे सकते हैं? बोला था शहर मत जा, नौकरी मत कर, निकल जाएगी हाथ से लड़की। निकल गई लड़की हाथ से। सुन पुल्लो, आज के बाद यहाँ पर फोन मत करना, हम तुम्हें हमारी जमीन और घर से बेदखल करते हैं। एक सिख हुआ का पापा ने कहा फोन रख, तो मैंने रख दिया। और क्या कहा पापा ने? निकाल दिया। हाँ? निकाल दिया? देखो, चार बार पहले ऐसे ही अपने जमीन जायदाद से निकाल चुके हैं, चार दिनों में वापस भूल जाएंगे और सब हो जाएगा, शादी वादी का हो जाएगा ना, निकल जाएगा ना। हाँ फिर ठीक है, फिर क्या है, फिर ठीक है। चीता चतुर्वेदी, क्या सब ठीक? हाँ मैडम सर, सब एकदम बिल्कुल ठीक, चौकस एकदम बढ़िया चल रहा है पार्टी वार्टी। तो फिर पार्टी क्यों नहीं एंजॉय कर रहे जी? चलो चलो। लेकिन मैडम प्रॉब्लम है आपका संतु, एक तो प्रॉब्लम बहुत आती है, अब क्या प्रॉब्लम है? चीता मैडम, चीता को जब पता चलेगा कि मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम के लिए उसका यूज कर रही हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा उसको। नहीं पर उसको पता कैसे चलेगा, जब हम उसको बताएंगे ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा, ये भी तो सोचो ना संतु, बार बार में ही निपटा डालेंगे, समझ लो बात को। और अगर पता चल गया तो बहुत बोलता है,
उफ़ ये मासूमियत। तो एक बात बताओ संतू, अपनी मासूमियत के लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। तुम मत डरो, और तुम ना भारी भारी कर दियो, कितना हल्का हल्का लग रहा था। हम करिश्मा सिंह से कुछ कहना चाहते हैं, पर ऐसा क्या ही कहें जिससे हमारे मन में जो आपके लिए इज्जत है, फक्र है और जो प्यार है वो बयां हो जाए। दरअसल सच में ना हमारा रिश्ता हमारे लिए समझना और समझाना दोनों मुश्किल है, चाहे फिर वो ड्यूटी का हो, दोस्ती का हो, सीनियर जूनियर का हो, या फिर 90% ऑफ द टाइम टक्कर का हो। अच्छा ठीक है, हम जानते हैं कि हम साथ में काम नहीं कर सकते, हमारी सोच अलग अलग है, जज्बात और मुक्का हम सब जानते हैं। वो क्या कहते हैं, वो नदी के दो किनारे हाँ, नदी के दो किनारे जो साथ साथ चलते जरूर है पर कभी मिलते नहीं। हाँ लेकिन कुछ तो जरूर है जो बहुत शदीद है, बहुत गहरा है और बहुत पक्का है, इस बात पर हमें बिल्कुल डाउट नहीं, क्योंकि चोट किसी एक को लगती है पर दर्द हमेशा दोनों का होता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा जी मैडम, आप जहां भी रहें, जो भी काम करें, बस खुश रहें और जैसी है वैसी ही रहें। और जब भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो या कोई आपको परेशान कर रहा हो, आपको उसे अपना भौकाल दिखाना हो, तो एक चीज याद रखिएगा कि दुनिया में आपका एक ऐसा दोस्त है जो हर हालत में आपके साथ खड़ा है। लव यू करिश्मा सिंह, and I'm proud of you. Love you, madam sir. Santu, jagi hu ma'am, duty pe nahi soti ma'am. Duty pe nahi soti. वैसे मैडम, मैडम सर के सामने से तो निकल गया वो क्रिमिनल बाल काटने वाला, अगर आपके सामने आ गया तो गया और लंबा गया। उसको बहुत शौक है ना बाल काटने का, उसके बाल उखाड़ कर उसका मुंह काला कर पूरे लखनऊ शहर में ना घुमा दिया ना, तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह है, समझ रहे हो तुम हमारा बात को। एक मिनट मैडम, वैसे आपने वर्दी क्यों नहीं पहनी आज? आज आपकी ड्यूटी का आखिरी दिन है, आज तो आपको वर्दी पहनना चाहिए था ना। आखिरी दिन है ना संतू, इसलिए नहीं पहना। दोबारा पहन लेते ना तो फिर उतारने का वो हिम्मत नहीं हम जुटा पाते, इसलिए नहीं पहना। हाँ पापा। आसमान फटे या प्रलय आए, या इस धरती पर वो आखिरी लड़का चीता चतुर्वेदी चतुर्वेदी चीता चतुर्वेदी बच जाए तो भी हम उस लड़के से तुम्हारी शादी हरगिज हरगिज नहीं होने देंगे। मैं अपने जीते जी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। नहीं, पर हुआ क्या पापा? पूछ रही है क्या हुआ? अरे फुटबॉल, जब वो लड़का पैदा हुआ होगा ना, तब उसके माँ बाप एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि ये क्या हुआ। पिताजी हमारी बात करवाइए, हम समझाते हैं उसे, लाइए। क्यों? हम बात कर रहे हैं ना, समझा रहे हैं ना। देखो हमें सब पता चल गया है, वो लड़का चीता नहीं मोरनी है, मोरनी। हाँ क्या? वीडियो भेज रहे हैं, खुद ही देख लो, भेजो वीडियो उसको। इसीलिए
इसीलिए हम तुम्हें शहर जाने के लिए मना करते हैं। पर पिताजी हम कहाँ गए शहर? तो हम जाने भी नहीं देंगे तुम्हें, समझे? भेजो। मैडम छाता लाओ, छाता लाओ। लाओ। मैडम मैडम ये एक सेकंड, ये देखिए का, ये देखिए। माँ ये तो हम तफ्तीश के लिए आए थे, यहाँ पर उनका वीडियो है। वही तो, पता नहीं किसने वीडियो अपलोड कर दिया। हमारी तो गड़बड़ हो क्या? वही तो, अभी चीते को पता भी नहीं है। अब मैं काम करूँ, मैं चीते को बता दूंगी, उसे पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। नहीं 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 संतू मत बताओ, अभी बाद में बता देंगे, इतना मत सोचो तुम। नहीं ना, नहीं अच्छा नहीं होगा ना मैडम, मैं उसको बता दूंगी, साफ साफ एकदम क्लियर कर दूंगी। तो मैडम ये ऐसे आधी रात को कहाँ भाग के जा रहा है? भाग नहीं रहा है, वो जॉगिंग कर रहा है। आधी रात को मैडम, पाँच बज गए। मैडम एक काम कीजिए ना, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी, आप जाइए, आपका आज ऑफिस का फर्स्ट डे रहेगा ना। नहीं, वैसे भी हमारी ड्यूटी खत्म होने को एक घंटा ही बाकी है ना, तो मैं संभाल लूंगी। हाँ तो एक आध घंटा में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, हम पहला दिन है मैडम, लेट नहीं होते ना। आप जाइए, आप छाता लेके जाइए, जाइए बाइक पे। ओह सॉरी, जाइए। पर देखूं तो सही, वीडियो अपलोड किसने किया है? कई बारिश। ये एक और नया वायरल वीडियो, एक तो मेरे गाड़ी के सामने आ गए और मुझसे पैसे मांग रहे हो। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। आज उसने हमारा बाल काटा है, कल को हो सकता है वो हमारा गला भी काट दे। ये तो वही लॉयर है जिसकी चोटी कटी थी, जो थाने आई थी कंप्लेन लिखाने। घूर क्या रहे हो? लगाऊंगी ना एक थप्पड़। अपना स्कूटी उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? निकलो। ये तो वही घुरानी की आवाज है। हो गया केस सॉल्व। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर केस सॉल्व हो गया है, मैंने पकड़ लिया वो बाल काटने वाले को। जी मैं अभी आप ही के पास आ रही हूँ। जी जय हिंद। फोन तोड़ दिया, 48 मेगापिक्सल का फोन।